तो दोस्तों आज हम पोई साग की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाएंगे। तो पोई साग की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल ताजे हरे पोई साग लिए हैं। तो सबसे पहले हम पोई साग के पत्तों को तोड़कर डंठल से अलग कर ले रहे हैं। दोस्तों पोई साग खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो हम सभी को पोई साग जरूर खानी चाहिए। अब इन पत्तों को दो तीन बार अच्छे से धो लेंगे। तो सब्जी के लिए अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिए हैं काली मिर्च, जीरा, राई यानी काली सरसों, अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च। इन सभी मसालों को हम सिलबट्टे पर पीसकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम जीरा और मेथी का फोरन डालेंगे। फोरन चटकते ही इसमें हम आलू डालेंगे। तो ये कच्चा आलू है जिसका छिलका उतार कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इस आलू को 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे ताकि यह भूनते भूनते ही आधा पक जाए। 6 मिनट बाद अब इसमें हम तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। यहीं पर टमाटर डाल रहे हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले तेल छोड़ने लगे हैं यानी यह अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें पोई साग डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे मिला लेने के बाद अब इसे ढक ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इस सब्जी को हम सूखा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी भूनते भूनते ही बहुत ही अच्छे से पक गई है। तो अब गैस बंद करके इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट पोई साग की सब्जी बनकर तैयार है। यह सब्जी रोटी पराठे या पूरी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आप लोग भी इस तरीके से पोई साग की सब्जी घर पर जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।